गंदे हैं। अरे इधर कहाँ घुसा चला रहा है, इसकी हिम्मत तो देखो। ओए भिखारी, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पे वीआईपी लोग आते हैं, तुम जैसे भिखारी नहीं। जानता हूँ मैडम, मेरा जहान आपको अच्छा ही नहीं लगा, आप मुझे कुछ खाने को दे दो या पैसे दे दो, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। अब दिमाग खराब है तेरा। भिखारी मिलती है, अगर इस तरह सबको देते रहेंगे ना तो खुद भिखारी हो जाएंगे। साफ दो चार रुपए में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ मेरा भला हो जाएगा। ये भिखारी की दुआ लगेगी आपको। हमें नहीं चाहिए तेरी दुआ। मैडम देख लो, मैं कहीं दोनों से दुनिया की ठोकरे खा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं तेरे भीख मांगने वाले हाथों को कुचल कर रख दूंगा, निकल जा यहाँ से। शादी कर रहा हूँ। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? तुझे जो करना है कर ले, मुझे दूसरी शादी करनी है बस। नहीं प्लीज, आप ऐसा मत करो, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुझसे डिवोर्स चाहिए बस। डिवोर्स? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी घर में रहेगी मेरे साथ। और मैं कहाँ रहूंगी, मैं भी तो आपकी वाइफ हूँ। हूँ नहीं, ठीक, इसको डिवोर्स के पेपर दो और साइन कराओ। ये ले, कर साइन। नहीं नहीं, मुझे तलाक मत दो, मेरा कौन है आपके सिवा, मैं कहाँ जाऊंगी? चल ठीक है, मुझे डिवोर्स नहीं देता, इस घर से निकल कहीं दूर और दुआ नजर मत आना। मुझे इस घर से मत निकालिए, इस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी, मेरे बाप ने सब कुछ बेच दिया मेरी शादी कराने के लिए, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे ये तो तुम्हारी जिंदगी से जाने के लिए तैयारी नहीं होती, कान खोल के सुन लो, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे तुम? दूर चली जाए मेरी जिंदगी से, वरना तेरी जिंदगी यहीं खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए, मुझे इसी घर में रहने दीजिए, मैं नौकरानी बनकर रह लूंगी। अरे हाँ, आइडिया, नौकरानी की जरूरत तुम्हें वैसे भी पड़ेगी, क्यों ना इसे ही रख लेते हैं, सैलरी भी देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। मेरी बात ध्यान से सुन, अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल देना कि ये तेरे पति हैं, इन पे सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा, समझी? तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बन के रहेगी, अगर उस निगाह से मेरे पति को कभी देखा तो अच्छी तरह जानती है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। और हाँ, तुझे वो सब काम करना होगा जो एक नौकरानी करती है, और इस घर की किसी भी चीज पे अपना अधिकार मत जमाना। चलो अंदर, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, चल अंदर।
कराने, हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर का सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारे आने से पहले, समझे? जी मैम साहब, लेकिन घर में राशन नहीं है खाना बनाने के लिए। हम तो बाहर रेस्टोरेंट पर खा कर आएंगे, घर में कुछ रूखा सूखा पड़ा हो तो खा लेना, समझे? चलो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने खुद 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे क्या हो गया छोटू? छोटू 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 छोटू, लगता है तूने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने तो अपनी जिंदगी उम्मीद तो छोड़ दी है। कुछ नहीं है। आज आपने मुझ पे एहसान कर दिया, अगर मुझे भविष्य में कभी मौका मिला तो मैं उस दूध को कर जरूर चुकाऊंगा। कोई बात नहीं छोटे, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तू कहाँ रहता है और तेरे माँ बाप कहाँ है? मेरे माँ बाप तो बहुत दूर है, मैं उनसे देखने के लिए तड़प रहा हूँ। और तू यहाँ कैसे आया छोटू? मुझे चोर पकड़ कर लाए थे, मैं किसी तरह मैं उसके पास से भाग आया, मुझे भी ये रास्ता न पता। तू चिंता मत कर छोटू, तेरे माँ बाप तुझे बहुत जल्द मिल जाएंगे। पहले से बहुत परेशान हूँ। अरे बेटे तू इस हाल में? पापा तू? बेटे मैंने तुझे हर जगह तलाश किया, कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? चल घर चल। नौकरानी जी आराम फरमा रही है। चल हमारे लिए चाय बना के लेकर। चाय? लेकिन दूध तो है ही नहीं। क्या कहा तूने? दूध नहीं है? दूध तो सुबह ही रख कर बैठे, ये बोला कि तूने पी लिया। नहीं मैम साहब। सच सच बोल कि दूध तूने पिया है या नहीं? नहीं मैम साहब, एक भिखारी आया था, वो बहुत भूखा था तो वो दूध मैंने उसको दे दिया। बेशक तूने हमारा दूध एक भिखारी को दे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस दूध की कीमत तुझे अपने खून से चुकानी पड़ेगी, आज तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं। नहीं चल अब यहां से। सड़क पर पैदल पहचाना मुझे? हाँ पहचान लिया, तुम मेरे कॉलेज की फ्रेंड हो। मैंने तो सुना था कि तुम दुल्हन बनकर एक वीआईपी घर में जाओगी, लेकिन तुम्हारी हालत तो बहुत बेकार है। क्या करूँ यार, मैंने लव मैरिज की थी एक शादीशुदा आदमी से, शुरू के कुछ साल तो एंजॉय में कटे, लेकिन अब गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें शादी करने के लिए एक शादीशुदा आदमी मिला था? मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दे रहा हूँ। वो कैसे? तुम्हारे पति के पास जो कुछ बचा है वो सब बेच कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन मेरा पति मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, उसने मेरे लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। तुम उसकी चिंता मत करो, उसको किसी बहाने जंगल में ले आओ, मैं उसका क्रियाक्रम वहीं कर दूंगा। क्या बात है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, थैंक यू यार मेरी लाइफ बचाने के लिए। इसका मतलब मेरे पति की जान को खतरा है। साहब मेरे पति की जान को खतरा है, उन्हें बचा लीजिए। अरे इधर कहाँ गुजर जा रही हो, ये कोई धर्मशाला है? साहब मेरे पति को बचा लो साहब। अरे पागल है क्या, हम ऐसे कहीं नहीं जा सकते। साहब बहुत परेशान हूँ मैं। पहले तो पीछे हट के बात कर, ये तो बता तेरे पति को हुआ क्या है? साहब एक आदमी उनको मारने की प्लानिंग कर रहा है। हाँ तो तेरे पति को बचाना है? जी साहब। 5,000 रुपए लगेंगे? हाँ बोल। इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं साहब। तो फिर अपने पति को बोल जा, मिटा दे अपनी मांग का संदेह, और विधवा मान ले अपने आप को। आज से कैसे पुलिस वाले हो तुम? पुलिस वाले जनता की सेवा के लिए होते हैं, ना कि जनता को ठगने के लिए। आप लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। चिल्ला मत, यहाँ हम तेरे बाप के लोग नहीं है। केपी ये क्या तरीका है तुम्हारा औरतों से बात करने का? सॉरी सर। साहब मेरे पति को बचा लो साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम हाथ मत जोड़ो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति को, बस तुम मुझे इतना बता दो तुम्हारे पति के साथ हुआ क्या है। साहब मेरे पति के साथ ऐसा हुआ, ठीक है अब मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। केपी अब कर
कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कौन सा कर्ज सर? एपी, दूध का कर्ज। इस बात को तुम नहीं समझोगे, इस बात को केवल मैं ही समझ सकता हूँ। आप ड्यूटी पे जाइए। यार ये पैसे लेकर हम जा कर रहे हैं और तुमने मेरा सब कुछ उगा दिया, मुझे नौकरी तो मिल जाएगी ना? अरे पक्का मिलेगी, आप एक बार साहब से मिलो तो सही। इधर जंगल में कौन सा ऑफिस है साहब का? उन्होंने मुझे यही जगह बताई थी। देखो सामने गाड़ी खड़ी है, चलो वहाँ पर चलते हैं। हो गया काम। वेरी गुड। कौन सा काम? केरा काम। ये क्या कर रहे हो तुम? अभी आज से मेरी बीवी है और तू जाएगा ऊपर, नहीं तो तू आगे चल के हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये नहीं हो सकता, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है। ये सिर्फ पैसों से प्यार करती है, जिसके पास पैसा है ये सिर्फ उसकी है। अब मैं समझ गया मैंने क्या गलती की है। मैंने तेरे लिए अपनी देवी समान बीवी को नौकरानी बना दिया और तूने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया। अरे यार जल्दी मारो इसको। नहीं इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें मत मारो, चाहे इनके बदले मेरी जान ले लीजिए। तू यहाँ क्यों आई है मनोज? अब तू भी मरेगी, तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। पुलिस ये दोनों बचकर नहीं जाने चाहिए। दरोगा साहब आपने वक्त पर आकर मेरे और मेरे पति की जान बचा ली, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान तो बहुत है आपका मुझ पर, लेकिन आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने कभी दूध पिलाया था और तुम खुद भूख से तड़प रही थी। हाँ दरोगा साहब मुझे सब याद आ गया, क्योंकि उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो तो भूलने के लायक ही नहीं है। और उसी दूध का कर्ज मैं आज चुकाने जा रहा हूँ तुम्हें इंसाफ दिलाकर। दरोगा साहब सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं अपनी बीवी के सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाया और इस दगाबाज के बाद तुम आ गया। तुम्हारे जैसे इंसान को कभी माफ करना नहीं चाहिए, तुम्हारी बीवी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। दरोगा साहब मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस गलती के लिए हमेशा शर्मिंदा रहूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। अरे कैसे इंसान हो तुम, तुम्हारी देवी जैसी बीवी ने तुम्हारे लिए नौकरानी बनकर घर में काम किया और तुमने उसी के साथ फ्रॉड कर दिया। सॉरी सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मुझे भी माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, एक औरत होकर तुम एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई, इस पर अत्याचार करती रही। सर कोई बात नहीं, इन दोनों को भी छोड़ दीजिए, इंसान से गलती हो ही जाती है। बिल्कुल नहीं, इनके किए की सजा इनको जरूर मिलेगी। के भी इन दोनों को ले चलो, लावे पैसों का भी एक देर।